I need consumables. हमने इतना दूर एक कैंप से मार दिया भाई। हाँ भैया। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आ चुका हूं एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज वाली वीडियो के बारे में बात करते तो भैया कतई भयंकर तबाही मचने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत करना। वो जो कार वाला सीन देखा आप लोगों ने लास्ट में, वो इसी गेम प्ले का है, तो उसको तो भाई बिल्कुल ही मिस मत करना। बहुत इंटेंस सिचुएशन हुआ था उस मोमेंट पे, कैसे सर्वाइव किया हो और क्या हुआ है उस मोमेंट पे, बस तुम देखना वीडियो में मालूम चल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं, कुछ दिनों समय पे एक बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा है कि रेगुलर वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहे, ऐसा चलता था तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो ब्रो देखो यार, आप लोग के लिए बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं डेली गेम प्ले बनाता हूँ, सीरियसली बताता, मैं डेली रिकॉर्ड करता हूँ और 10-15 किल करने के बाद मैं मर जाता हूँ। सीन यहाँ पर ये होता है, कभी मेरा डेटा ख़राब चलता है, कभी कैंपर से मर जाता हूँ, तो वो सब गेम प्ले मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। बट मैं सोच रहा हूँ चलो यार वो सब गेम प्ले भी दिखाते हैं, फेल गेम प्ले भी, क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले कि यार कितना मेहनत करके मैं गेम प्ले बनाता हूँ। तो यार फिलहाल वो सब चीज़ को साइड में रखते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं गेम प्ले पे। अब सामने बंदे थे, एक को नॉक कर दिया था, औरों की फुटस्टेप यहाँ पे आ रही है, तो निपटाते हैं सबको। अब यहाँ पे मैं बिना वेस्ट के रश करता हूँ, बंदा मेरे को नॉक कर देता है, बंदे के पास में बैरल थी, ये तो को पीछे टीममेट था जो कि इसको नॉक करके मेरे को रिवाइव कर देता है। सामने दो बॉट दिखते हैं, मैं दोनों को फिनिश करता हूँ। इतने में सामने वाले कंपाउंड में बंदे रिकॉल होकर आ गए होते हैं, तो रश करते हैं उनके ऊपर। बट पीछे एक बंदा जाता दिखता है, उसको निपटाते हैं। अब जो बंदे बच रहे थे सामने वाले वेयरहाउस में है, तो निपटाते हैं उनको जाके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे इस कार में बुलेट नहीं है और मुझे विक्टर लेकर रश करना है। लाइक नहीं किया ना वीडियो को अभी तक, जाके लाइक करो यार। तुम लोग देखते हो वीडियो लाइक नहीं करते, गलत बात है ये। वैसे जैसे तैसे करके यार सर्वाइव करता हूँ, थोड़ा लूटते हैं, इतने में पता नहीं अचानक वहीं पे बंदे कहीं से आ जाते हैं और टीममेट नॉक है वैसे। और अब तुमको मालूम चलेगा भैया मेरा पिंक कितना महान है, तुम देखना बस। तुम देखो भाई मैं सच बता रहा, मुझे नहीं पता ये बंदा यहाँ पे कैसे नॉक हुआ। फिलहाल सामने खिड़की में दो बंदा, जिनमें से एक को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और डायरेक्ट रश करता हूँ वहाँ पे। तो हाँ यहाँ पे सबको फिनिश कर देते हैं। एक बॉट आता है सामने से, मैं बॉट को भी निपटाता हूँ, थोड़ा लूटता हूँ और यहाँ से निकल के जाता हूँ पोचिंग की। लेकिन पोचिंग की में भाई सन्नाटा छाया हुआ था, इतने में एक बंदा चर्च की तरफ से फायर करता है, बाकी घुमाते हैं सीधा उधर।
अब जैसे जैसे करके उसको फिनिश कर दिया था, टीममेट को थोड़ा रिवाइव देते हैं और निकलते हैं और बंदों को हंट करने के लिए। इतने में को एक यूएस दिखती है, तो लगाते हैं बग्गी उसके पीछे और भाई ये बंदे बड़े हरामी होंगे, तुम बस देखते जाओ। अब इस नागिन को सबसे पहले फिनिश करते हैं, जाते हैं इसके दूसरे टीममेट के पास में जो कि ये वाले घर के ऊपर कैंप करने लगा है, नेट वगैरह फेंक रहा है, तुम देखो। तो हाँ, ये बंदा नेट से पूरा एरेंगल को ब्लास्ट करने वाला था, ये तो कहो मैं आके बचा लेता हूँ पूरा एरेंगल को। फिलहाल यार वहां से निकल के जाता हूँ मैं बंदे हंट करने, इतने में भाई दो स्क्वाड मेरे पीछे लग जाती है और ये वही वाले बंदे हैं, कार वाले बंदे, बस देखो यहाँ पे क्या सीन होगा। तो हाँ, यहाँ पे मैं सबको फिनिश कर देता हूँ, थोड़ा लूटता हूँ इनको। इतने में टीममेट बताता है उसके पास में बंदा है, तो देखते हैं उसको और कर देते हैं इस बंदे को खत्म। अब इस बंदे को जैसे मैं खत्म करता हूँ और बंदों को जायदा होता हूँ हंट करने, इतने में देखो यार पिंग। अब ये चीज जैसे मेरे साथ में हुई, मेरे को समझ में आ गया था मेरा गेम होने वाला है खत्म, बट फिर भी अपने आप को दिलासा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, खेलते हैं। और जैसे मेरा पिंग सही होता है मैं आता हूँ यार टेम्पल के पास में, इतने में मेरे को सामने से फुटस्टेप आती है बंदों की, देखते हैं उनको। अब ये जो बंदा कूपर से गया है सामने जाकर रुक जाता है और कूपर के पीछे जाकर लेट जाता है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले कूपर को ब्लास्ट करता हूँ, क्योंकि देखो यार जोन के बाहर है वो, अगर कूपर नहीं देगी तो वो ऐसे ही ओपन से आएगा और उसको मैं यहाँ पे स्प्रे में धर लूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बंदा दिख जाता है और देखो तुम बस। अब मुझे नहीं पता ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आता है, लेकिन इसको फिनिश कर देता है एक नंबर। उसके बाद हम निकल के ये वाली जगह पे आते हैं, सामने यूएस दिखती है, एक बंदे की फुटस्टेप भी आती है, तो निपटाता है इस बंदे को। अब इस बंदी को अभी मैं जैसे फिनिश करता हूँ इस बंदी की बददुआ लग जाती है हम लोग का पाला पड़ेगा सांपों से, और भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम खुद देखो वीडियो में। भाई कैंपा तो सांप के साथ में नो मजाक, आज की वीडियो को सीख है ये। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक एम अगेन एक लाइक का है, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।